आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज की इस वीडियो में हम मिसिंग लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें टॉप कहाँ है, फ्रंट कहाँ है और साइड कहाँ है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें लिखा नहीं होता कि टॉप कौन सा है, फ्रंट कौन सा है और साइड कौन सा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फ्रंट और साइड हमेशा एक साथ रहते हैं, टॉप अकेला रहता है। तो आप देख सकते हैं अकेला यही है, मतलब ये टॉप होगा, टॉप के ऊपर फ्रंट होता है और फ्रंट के बगल में साइड है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसका टॉप नीचे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है। प्रोजेक्शन किस लिए ड्रॉ करने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है कि प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से लगभग आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मली मिसिंग लाइन के क्वेश्चन में कोई जल्दी प्रोजेक्शन लेता नहीं है, लेकिन हम इसमें प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि हमने कितनी आसानी से ये डायग्राम बनाया है। अब इसके प्रोजेक्शन भी रोटेट कर देते हैं। इसके प्रोजेक्शन रोटेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 45 डिग्री के कोण पे लाइन खींचनी होगी। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि प्रोजेक्शन के लिए आप हल्की पेंसिल 4H का इस्तेमाल करेंगे और जो डार्क पेंसिल है उसके लिए आप HB पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रोजेक्शन रोटेट कर लिए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फ्रंट किधर बनेगा, साइड किधर बनेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें साइड बाएं तरफ बनी है, लेकिन बनते समय इसमें दाएं तरफ बनेगी, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो इसकी दूरी 20 है, तो हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, साइड यहाँ पे ले लेंगे 20। खींच लिया 20। इसमें फ्रंट दाएं तरफ है, लेकिन बनते समय ये बाएं में बनेगा। इसकी लंबाई 35 है, हम यहाँ ले लेंगे 35। ले लाइन, और हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे परपेंडिकुलर के लिए। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट। तो फ्रंट में हम सबसे पहले ये वाली भुजा बनाएंगे, ये वाली बाएं तरफ से 15 mm उठी हुई है, यहाँ से लेंगे हम 15 mm ऊपर। यहाँ से भी लेंगे 15 mm। फाइनली इसको भी जोड़ देंगे, ये वाला बॉक्स बन गया। अब देखो इसकी प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे आ रही है, और इसका जो टॉप है ये रहा, इसकी दूरी 10 mm है। तो यहाँ पे 10 mm की लाइन खींचेंगे, ये खींच दी। अब इसको साइड व्यू में देखेंगे, तो साइड व्यू में इसकी प्रोजेक्शन ये जा रही है, ये भी 10 का ही है, लंबाई इसकी 15 है। इसकी चौड़ाई आपको दिख रही है 10 mm, यहाँ से इसकी हाइट भी ले लेंगे हम 15 mm। अब हम ये वाली लाइन इरेज कर लेंगे, क्योंकि इतनी लाइन एक्स्ट्रा है, कर ली इरेज। अब ये वाली लाइन बनाएंगे, इसकी हाइट 15 mm है, यहाँ से 15 mm ऊपर लेंगे हम, ले लिया। यहाँ से आएंगे 10 mm, वापस नीचे आएंगे 10 mm, यहाँ से भी आएंगे 10 mm, वापस नीचे आएंगे 10 mm। चलिए ये लाइन भी इरेज कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी खींचनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये 15 mm की दूरी पे गई है, यहाँ से ले लेंगे 15 mm की दूरी। फाइनली यहाँ से नीचे आ जाएंगे 10 mm आ गए। अब इसका टॉप में देखेंगे, टॉप में दिख जाएगा इसकी चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई 10 mm है, तो हम यहाँ से सारी तरफ से 10 10 mm की लाइन खींच लेंगे। यहाँ से भी ले लेंगे लाइन, यहाँ से भी खींच लेंगे लाइन। चलिए अब इन सबको जोड़ देते हैं आपस में। इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, फाइनली इसको भी जोड़ देंगे। अब हम इसको भी जोड़ देंगे, ये हमारा आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब मिला लेते हैं कि हमारा डायग्राम सही है या गलत।
तो पहले इसके फ्रंट व्यू में देखते हैं। फ्रंट व्यू में हमको यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, वो स्क्वायर बॉक्स ये रहा, और जो सीढ़ी नुमा संरचना दिख रही है वो सीढ़ी नुमा संरचना ये रही। साइड व्यू में हमको ये दिख रहा है जो ये बना है, यहाँ पे साइड व्यू में तीन स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं 10x10 के, वो ये रहे। अब इसके टॉप व्यू में देखते हैं, टॉप व्यू में 15x10 का रेक्टेंगल बॉक्स ये दिख रहा है, ये वाला बॉक्स इसमें भी दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आइसोमेट्रिक हमने बनाया है इसके टॉप में तीन बॉक्स दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं इस टॉप में हमारा खाली दो ही बॉक्स बन रहा है, मतलब हमारा जो मिसिंग लाइन है वो इसी टॉप में आएगा। आप इसकी प्रोजेक्शन भी देख सकते हैं जो कि ऊपर से आ रही है। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई और डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।